वृषभ राशि वालों की संपूर्ण जीवन का महत्वपूर्ण भविष्यवाणी महत्वपूर्ण भविष्यवाणी का मतलब ये है कि ऐसी भविष्यवाणी जो आपके जीवन में आज नहीं तो कल घट करके ही रहेगी यानी वो तो होगी ही नमस्कार दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे YouTube चैनल में और आज मैं आपको बताऊंगा वृषभ राशि वालों के पूरे संपूर्ण जीवन के बारे में कुछ ऐसी बातें जिसे सुन करके आपको सच्चाई का अनुभव होगा अनुमान होगा अगर आप वृषभ राशि वाले होंगे तो आपको ये मालूम चलेगा कि आपका जीवन काल जो है वो कैसा रहने वाला है लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप अपने भविष्य के बारे में पर्सनली मुझसे जानना चाहते हो जन्म कुंडली और हस्तरेखा के अनुसार तो आप मुझसे मेरे व्हाट्सएप नंबर सेवन जीरो सिक्स टू सेवन फाइव सेवन नाइन नाइन सिक्स पर मैं संपर्क कर सकते हो जिसमें आपको मात्र तीन सौ रुपये फीस जमा करनी होगी और आप अपने भविष्य के बारे में सारी जानकारी प्राप्त कर पाओगे चाहे आपके जीवन में कोई समस्या ही क्यों ना हो उस समस्या का समाधान क्या होगा ये मैं आपको बता पाऊँगा चलिए दोस्तों शुरू करता हूं और आपको बताता हूं बृष राशि वालों यानी वृषभ राशि वालों के जीवन में ऐसी कौन कौन सी बातें हैं जो निश्चित है अटल है जो आज कल घट करके तो रहेगी ही बजरंग यानी कि हनुमान जी और शनिदेव आप सभी का भला करें दोस्तों वृषभ राशि वाले लोग कौन होते हैं ब्रष के सामने जो आप अक्षर देख रहे हो अगर इनमें से किसी भी अक्षर से आपका नाम शुरू होता है तो आपकी राशि जो है वो वृष राशि यानी कि वृषभ राशि हुई और आपके जो राशि स्वामी है वो है शुक्र देवता और आपकी जो राशि चिन्ह है वो ये रही दोस्तों इस राशि का जो चिन्ह है वो है बैल का चिन्ह बैल स्वभाव से ही अधिक परिश्रमी और अधिक धैर्यवान और ब्रियवान होता है साधारणतः वह शांत रहता है किंतु क्रोध में आने पर वह उग्र स्वभाव धारण कर लेता है दूसरी बात जो है वो यह है कि बैल के समान स्वभाव वृष राशि के जातक में भी पाया जाता है वृष राशि का जो स्वामी है वो है शुक्र तीसरी बात यह है कि इसके अंतर्गत कृतिका नक्षत्र के तीन चरण यानी कि रोहिणी के चारों चरण और मृगशिरा के प्रथम चरण भी आते हैं ये तो कुछ महत्वपूर्ण जानकारी हुई जो आपको वृषभ के बारे में मिली लेकिन अब इस, इस राशि के लोग वो कैसे होते हैं आइए आपको बताता हूँ दोस्तों तो इनके जीवन में पिता पुत्र का कला बना रहता है जातक का मन सरकारी कार्यों की ओर रहता है सरकारी ठेकेदारी का कार्य करवाने की योग्यता भी इनमें होती है इनको अपने पिता के साथ बहुत अच्छा संबंध नहीं बन पाता है ऐसी बातें इन्हें जीवन में बार बार अनुभव करनी भी पड़ती है पिता के पास जमीन कम या जमीन के द्वारा जीव का चलाने का जो साधन होता है वो थोड़ा कम होता है जातक अधिकतर तामसी भोजन में अपनी रुचि दिखाता है और तामसी भोजन का मतलब शायद आप समझते हो मुझे जैसा कि लगता है गुरु का प्रभाव जातक के ज्ञान के प्रति अहम भाव को पैदा करने वाला भी होता है गुरु के कारण जातक के मन में घमंड भी आ जाता है अहम भाव भी आ जाता है वह जब भी कोई बात करता है तो स्वाभिमान की ओर बात करता है स्वाभिमान उसका प्रथम चरण होता है अपने जीवन का अपने जीवन में वो स्वाभिमान को बहुत महत्व तो देता है सरकारी क्षेत्रों की शिक्षा और उनके काम जातक को अपनी ओर काफी आकर्षित करते हैं किसी प्रकार के केतु का बल मिल जाता है या यूँ कहूँ तो किसी प्रकार से अगर केतु का बल मिल जाता है प्राप्त हो जाता है तो जातक सरकार का मुख्य सचेतक बनने योग्य भी बन जाता है या योग्य रहता है वह इस काम को करता है सरकार में वो आ सकता है अगर उसे केतु का बल मिल गया तो मंगल के प्रभाव से जातक के अंदर मानसिक गर्मी हमेशा बनी रहती है हमेशा मानसिक गर्मी बनी रहती है कल कारखाने स्वास्थ्य कार्यों और जनता के झगड़े सुलझाने का कार्य जातक बड़े ही आसानी से कर लेता है जातक की माता के जीवन में परेशानी जो है वो कुछ ज़्यादा ही होती है यानी हमेशा कुछ न कुछ परेशानी लगी ही रहती है वृष राशि वाले जो जातक हैं ये जो लोग हैं ये अधिक सौंदर्य प्रेमी और कला प्रेमी भी होते हैं जातक कला के क्षेत्र में विशेष रूप से नाम करता है माता और पति का साथ या माता और पत्नी का साथ घरेलू वातावरण में सामंजस्य जो है वो लाता है बनाए रखता है जातक अपने जीवन साथी के अधीन रहना भी पसंद करता है आपके जीवन में व्यापारिक यात्राएं काफ़ी होती है यानी वृषभ राशि वाले जो लोग होते हैं उनके जीवन में व्यापारिक यात्राएं भी काफ़ी होती हैं अपने ही बनाए हुए असूलों पर आप जीवन चलाना ज़्यादा पसंद करते हो हमेशा दिमाग की कोई योजना चलती रहती है कई बार अपने किए गए षड्यंत्रों में आप खुद भी फंस सकते हो रोहिणी के चौथे चरण के मालिक चंद्रमा है जातक के अंदर हमेशा उतार चढ़ाव की स्थिति बनी रहेगी वह अपने ही मन का राजा होगा यानी जो मन होगा वही काम करने वाले आप होते हो वृषभ राशि वाले ये कुछ महत्वपूर्ण जानकारी थी जो वृषभ राशि वालों के बारे में आपको मेरे द्वारा दी गई बताई गई जो कि आज नहीं तो कल आपके जीवन में ये सारी बातें जो हैं वो तो हो के ही रहेगी घटित तो होना अनिवार्य है यानी होगा ही तो दोस्तों यही थी वृषभ राशि वालों के जीवन की महत्वपूर्ण भविष्यवाणी हनुमान जी और शनिदेव आप सभी का भला करें मेरी यही प्रार्थना है दोस्तों मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और आपके जीवन में इस वीडियो का एक महत्वपूर्ण स्थान जरूर बन चुका होगा मुझे ये भी उम्मीद है कि आप इस वीडियो को लाइक करोगे शेयर करोगे और चैनल को सब्सक्राइब करके उसके आइकन के बटन को ज़रूर दबा दोगे क्योंकि भविष्य में आने वाले समय में आपको इससे भी बेहतर बेहतर वीडियो मिलने वाले हैं तो दोस्तों आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद थैंक यू थैंक यू सो मच जय हिंद वंदे मातरम